अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आज आप भाइयों को अपने घर के ब्लैक कबूतर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपने मेरी इसकी पिछली वीडियो में देखे होंगे कि दोस्तों मैंने मेरे आपको पूरे 20 कबूतर दिखाया। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आप भाइयों को अपने घर के जितने ब्लैक कबूतर उनका आपको शौक करूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास में एक ब्लैक कबूतर है। तो दोस्तों मेरे पास जितने ब्लैक कबूतर उनका आपको शौक करूंगा। तो ये कबूतर देखिए आप, काली चोच है, फुल वाइट आइज इसकी, तो पूरी सफेद आँख है, जरा सी भी इसकी आँख में लालपना नहीं है। ये कुछ कबूतर है, ऐसे कुछ इसके पर है, परदार कबूतर दोस्तों, और नए नए पर है कबूतर के। ये इधर के पर है, ये इसकी धूम है, बंदूम का धूम, बंदूम का कबूतर है। और दोस्तों देखिए आप, काली चोच, काले नाखून और जामनी पंजों में कबूतर है, और पूरा जेड ब्लैक कबूतर है। दोस्तों ये जो ब्लैक कबूतर है ना, पूरा ब्लैक है, जेड ब्लैक है एकदम, इसमें शाइन नहीं है। इसको आपको छोड़ के दिखाता हूँ मैं। दोस्तों इनर कबूतर है, बहुत ही लाजवाब कबूतर है ये वाला। दोस्तों हमारी तरफ इसको जाग कबूतर बोलते हैं, आपकी तरफ इसको कौन सा कबूतर बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मेरे पास जो अगला जाग कबूतर है उसका मैं आपको शौक करा था, वो दोस्तों लॉफ्ट के अंदर में रखा है। दोस्तों ये एक जाग कबूतर है, करिए आप कबूतर का शौक, काली चोच है, सफेद आग है, इसकी फुल वाइट है। और ये पकड़ा कबूतर दोस्तों, ये देखिए ऐसा कुछ कबूतर है, पर इसके कटे उल्टे उल्टे और पर झड़ के आ चुके हैं इसके, सिर्फ दो पर बचे इधर के। और ये जो जाग कबूतर है ये जेड ब्लैक है। ये देखिए दोस्तों इधर के पंख थोड़े निकल के इसके पकड़ने में, धूम दोस्तों इसकी कटी हुई है क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से इसकी धूम खराब हो चुकी थी, धूम हमने इसके काट दिए थे। ये इसके पंजे, काली चोच, काले नाखून, पूरा जेड ब्लैक कबूतर है। और दोस्तों ये भी नर है, इसको आपको छोड़ के दिखाता मैं, करिए आप कबूतर का शौक। दोस्तों इसकी जो कद काटी है ना एकदम अलग ही है, देख सकते हैं आप, दोनों भी जाग कबूतर है और दोनों भी नर है, दोनों भी ब्लैक है, दोनों भी जेड ब्लैक है। और दोस्तों ये वाला जो जाग कबूतर है ना बहुत ज़्यादा लंबा है, इसकी धूम कटी है इसलिए आपको इतना समझ में नहीं आ पा रहा होगा, मगर ये उससे लंबा है ये वाला जाग कबूतर। और ये थोड़ा अलग नस्ल में है, ये देखिए आप कैसा कबूतर है मस्त। तो दोस्तों अगली है ये जाग मादी, जो कि दोस्तों जंगली है। आपने जंगली कबूतर हरे में देखे होंगे, खैरे में देखे होंगे, मगर ये हमारे पास में जाग जंगली है। काली चोच है, पीली आँख है, लाल आँख भी बोलेंगे ना, लाल आँख भी बोल सकते हैं। और ये जंगली मादी है, पहली बात तो कमाल की बात ये है, जाग कबूतर में जंगली कबूतर बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये इसके उल्टे उल्टे पर कटे हुए। ये इधर के पर है दोस्तों, इसकी धूम कटी हुई है, मतलब जो जगह से इसकी जो धूम है ना यहीं से कटी हुई है। जितना पड़ेगा देने के लिए? नहीं नहीं झाड़ के पूरी आ जाएंगी। ये देखिए दोस्तों कैसे हाथ से निकलने की कोशिश कर रही, ये इसके पंजे, काली चोच, काले नाखून। दोस्तों आपको जितने भी कबूतर दिखाया मैंने उनकी काली चोच है और काले नाखून है, मतलब जरा से भी कट पीस नहीं कबूतर। क्या कबूतर ये है जाग जंगली मादी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये कबूतर कैसी लगी। दोस्तों ये तो हो गया मेरे पास के तीन जाग कबूतर, इसर मादी जो कि जाग है, करिए आप कबूतर का शौक, काली चोच है, हल्की सी अनारी आँख में है, कौन सी इसकी, कभी इसकी आँख लाल हो जाती कभी इसकी आँख सफ़ेद हो जाती, मतलब ये रेसर कबूतर है ना तो इसकी आँख एकदम अलग ही होती। अभी आपको सफ़ेद आँख दिख रही है इसकी, कभी पूरी लाल कर लेंगी, कभी ऑरेंज कर लेंगी, ऐसी आँख करती है ये। दोस्तों ये इसके पर है, देखिए आप पर कटी हुई है, और ये भी जेड ब्लैक है। देखिए हाथ से निकलने की कैसी कोशिश कर रही, क्योंकि मैं अपने कबूतर को पकड़ता नहीं इसलिए मेरे कबूतर ऐसे ही करते। देखिए ये इसके पर है, तो ये इसकी धूम है, और ये इसके पंजे, काली चोच, काले नाखून, जामुनी पंजे इसके। इसको आपको छोड़ के दिखाता मैं, देखिए कितने सारे पंख निकल के इसके पकड़ने में इसको। ये देख सकते हैं आप, ये चारों भी जाग कबूतर हैं मेरे घर के, ये एक जाग है, वो एक जाग है जो पत्थर पर बैठा है,
अब दोस्तों मैं इसका नर दिखाता आपको, रेसर कबूतरी का, वो भी दोस्तों जाग कबूतर में आता है, तो उसको दिखाता दोस्तों। यह है रेसर कबूतर जो कि जाग में है। देखिए आप, काली चोंच है, पीली आँख है, कभी इसकी आँख लाल हो जाती, कभी इसकी आँख पीली हो जाती। ये इसके पर है, एक एक छड़ पे दोस्तों कबूतर ये वाला। और ये भी दोस्तों जाग कबूतर में आता है। देखिए ऐसी कुछ धूम है इसकी, ये देखिए हाथ से निकलने की कैसी कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा जान लगा रहा है दोस्तों निकलने के लिए। छोड़ दे, दिखा नहीं। तो इसको मैं आपको छोड़ के दिखाता अभी, हाथ में गंदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरे घर के पांच जाग कबूतर, ये देखिए। अपने पास में और जो भी जाग कबूतर मतलब काले में होंगे, हाँ। और कितने काले किस्म के कबूतर रहते हैं उसमें, मतलब जो अलग अलग काले कलर में बोल सकते हैं? और दो तीन होंगे, तो उन कबूतर का भी आपको शौक पता चल जाएगा कौन से काले कबूतर में क्या रहता। ये तो पूरे जाग की वैरायटी में आते हैं ना। हाँ, ये भी ब्लैक है लेकिन ये जाग नहीं है। ये जाग नहीं है, ये बबरा कबूतर है। बबरा, ये देसी कबूतर है दोस्तों। देखिए आप, करिए आप कबूतर का शौक। काली चोंच है, सफ़ेद आँख है, और ये हाई फ्लेयर कबूतर है ये वाला। आँख देखिए इसकी, आप चोंच भी बहुत छोटी है, अलग ही जात का कबूतर है और चौड़ी छाती का है। मगर दोस्तों ये जाग कबूतर नहीं है, ब्लैक तो ये भी है, ये ब्लैक है मगर जाग नहीं है। ये बबरा कबूतर है। कई कई लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, आप क्या इसको क्या नाम से बोलते हैं कमेंट कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये जाग कबूतर नहीं दोस्तों, आपको पहले बताते रहे, नहीं तो आप बोलेंगे बोलू भाई जाग कबूतर नहीं, आप इसको जाग कबूतर कैसे बोल रहे। ये सिर्फ काला कबूतर है, ये आपको बता रहा हूँ मैं। जाग कबूतर में और ऐसे कबूतर में क्या फ़र्क रहता है देख सकते हैं आप। ये जो पांच कबूतर है जाग कबूतर है, और ये जो कबूतर है जाग कबूतर नहीं है, ये बबरा कबूतर है दोस्तों। ये है, ये अलग ब्लैक है। देखिए ये जाग दो पाँच है लेकिन ब्लैक ये भी है, लेकिन ये ब्लैक अलग है, ये अलग ब्लैक है। ये इसकी आँख है। वैसे तो बहुत सी वीडियो में आपको इसका शौक कराया मैंने, जो इसकी पिछली वीडियो थी फैंसी कबूतर की, उसी में इस कबूतर का आपको शौक कराया था। मगर है हमारा, इसको छोड़ के दिखाता आपको मैं दोस्तों। ये जाग दो पाँच है, ऑलमोस्ट सब काली है, सब काले से, मगर थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें। अब दोस्तों जो इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेंगी, उसमें मैं आप भाइयों को अपने घर के व्हाइट कबूतर का शौक कराऊंगा, उसके बाद में जो वीडियो आएंगी उसमें आपको पकड़े हुए कबूतर का शौक कराऊंगा। तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप भाइयों को वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम एंड करते हैं।